फर्स्ट से लेकर नाइन्थ क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बैट्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइंस बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है, मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइंस। मैं कहीं पर भी वाइंस बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायजाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर टेंथ क्लास आ जाती है। दसवीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। टेंथ क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। टेंथ क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो हो, साइंटिस्ट है। ओहो हो हो, साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पुकी 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 पुई। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। टेंथ क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और टेंथ क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ, है ए हगी मारू, है ए लकी मैन, है ए ककासी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप, वैसे ये कर कैसे रहता है ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा।